नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम में बीते दिन दोपहर लगी आग पर करीब 12 घंटे बाद देर रात दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। अज्ञात कारणों के चलते रिलायंस ट्रेंड्स के 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद से दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही थी। शोरूम में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए तहसील नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर व जनपद अमरोहा और मुरादाबाद तक से दमकल की गाड़ियां मंगवानी पड़ी थी, तब कहीं जाकर देर रात आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण जहां शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए, तो वहीं शोरूम से सटे सिविल लाइन फर्स्ट कॉलोनी के 3 से 4 मकान आग लगने के कारण पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इन मकानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि हादसे के कारण सिविल लाइन फर्स्ट मोहल्ले के रहने वाले करीब 3 से 4 परिवार के लोगों के घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी लोग मोहल्ले में रात के अंधेरे में घर छोड़कर बाहर खड़े रहने को मजबूर हुए। इस दौरान स्थानीय निवासी अजीत ने जानकारी देते हुए बताया, दरअसल आज जो हमारे घर के पीछे रिलायंस ट्रेंड्स है, इसमें 11 बजे आग लगी हुई है 11 बजे से। उसी के कारण हमारे यहाँ 3-4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर उसमें दरारें हैं, टूट टूट के उसमें ईंट सीमेंट गिर रहा है और बुरी भयानक स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते हुए बहुत हमें डर भी है, इसीलिए हम सब लोग बाहर अपने घर छोड़ के बाहर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, क्या कोई प्रशासन का कार्य आया था यहाँ पे? हाँ, हम 4 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, तहसीलदार आए, वो एक नज़र देख के हमने उनसे पूछा भी, सर क्या किया जाए, क्या होगा? उन्होंने कोई बात नहीं, मैं डीएम साहब को रिपोर्ट दे रहा हूँ और परसों तक कोई कार्यवाही इसमें। ऐसे परिवारों के नुकसान की भरपाई करने के लिए विधायक पति ऐश्वर्य मौसम चौधरी एडवोकेट ने सहायता स्वरूप 1-1 लाख रुपए देकर उनकी परेशानी को कम करने का काम किया। इस दौरान विकास अग्रवाल, नीरज शर्मा, ललित, दीपक गर्ग, मोनू, संजीव गुप्ता, ठाकुर अंकुर गौतम, मनोज, जितेंद्र राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।